सवाल आपके सामने परिपथ दिखाई दे रहा है। इस परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा पूछ रहा है और वोल्टता पूछ रहा है। इस सवाल में ये क्वेश्चन भी आपका बोर्ड में आया हुआ है, तो इस सवाल को देखते हैं हम लोग पहले और फिर इसको हल करते हैं। देखिए, ये जो बैटरी लगी हुई है, यहाँ से धारा चली प्लस सिरे से, ये स्मॉल आर 0.5 ओम है और ये ऐसे घूम कर पूरे परिपथ से ऐसे ये धारा वापस आ रही है। सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम कुल प्रतिरोध को घड़ियाना शुरू करते हैं। तो यहां से चलने के बाद हमें एक रास्ता मिला जहां दोनों हमें लाइन बार ऐसे दिखाई दिए, तो ये दोनों किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में। ये किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में। तो इन दोनों का कुल प्रतिरोध कितना आ जाएगा, R1 + R2। तो दो और प्लस तीन तो कितना आ गया, 5। इन दोनों को घड़िया लिया, इनका फाइनल कितना आ गया, 5 ओम। ये पहला वाला आया, R1 नाम दे दो। अब परिपथ को हम छोटा कर दें, ये दोनों तो निपट गए, तो ये हो गया 5 ओम। अब इन दोनों को जो घड़िया कर यहां R1 आपने लिखा, ये क्या है, 5 ओम। अब फिर से वैसे ही देखना चालू करो, जब हम यहां आएंगे तो यहां से ये दोनों किस क्रम में टूटे हुए दिख रहे हैं, समांतर क्रम में दिख रहे हैं ना, अभी श्रेणी क्रम था वो। जब ये दोनों समांतर क्रम में है तो इनका क्या आ जाएगा, 1/R 1/10 + 1/5, 1/R1 + R2, तो 10 और ये कितना है, 5 × 10, तो ये पलटोगे R/1 = 10/3। अब इन दोनों को भी घड़िया कर इसका नाम चाहो तो क्या लिख दो, R2, या ऐसे बना रहने दो। अब इन दोनों को हम और छोटा कर दें, इन दोनों की जगह क्या आ गया है, 10/3। परिपथ और छोटा हो गया, अब ये क्या आ गया, 10/3। अब यहां से आओ तो यहां से फिर ये दो रास्ते फूटे दिख रहे हैं, तो ये दोनों किस क्रम में है, समांतर क्रम में। तो 1/R3 = 1/R कितना है, 10 + 1/10/3, तो बराबर 1/10 + 3/10। इसको पलट दो, R3/1 = 10/3 = 4, तो ये कितना आ जाएगा, 2 × 10 = 2 × 4, 5/2 ओम। अब इन दोनों को भी हटाया, इन दोनों की जगह पर क्या आ गया है हमारा, 5/2 ओम, 5/2 ओम हमने ऐसे लिख दिया। अब हम इसको रफ कर रहे हैं और अब देखिए यहां से जब चलेंगे तो ये दोनों किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में। तो परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना हो गया, 1 + 5/2 R1 + R2, तो 2 + 5/2 = 7/2 ओम, ये आ गया कुल प्रतिरोध। स्मॉल आर कितना है, 0.5 ओम और ये कितना है, 12 वोल्ट। तो I बराबर क्या होता है, E/R + R, तो E क्या है, विद्युत वाहक बल जिसे कहते हैं बैटरी का, और R कितना है, कैपिटल R 7/2 और प्लस स्मॉल R कितना है, 0.5। तो अब इसके बाद इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, I बराबर 12/7 + 2/10 और बटे दो जो है ये चाहे तो ऊपर ले जाए, तो 12 × 2 / 7 + 1 = 8 कितना आ जाएगा, 4 × 8 = 4, 3 = 12, 3 × 2 = 2, 3 एम्पियर। धारा कितनी आ गई परिपथ की, 3 एम्पियर। अब अगर वोल्टेज निकालना है तो V = IR, तो I कितना है, 3 और R कितना आया था आपका, R कितना था, कैपिटल R 7/2, तो 7/2, तो 7 × 21/2, 2 × 2 = 2, 5 = 10, 10.5 वोल्ट। ये है आपका आंसर, आप लोग हल करिए इसे।